पहला ही जो होता है टैंक साइज देखिए गाइस ये जब छोटा होता है आप टू से थ्री फीट टैंक में टैंकमेट में अगर अच्छा बोलू तो आपको मॉन्स्टर फिश रखना होगा सो so, इज hey आज का ये वीडियो है बहुत ही मतलब रिकमेंडेड वीडियो बहुत ही रिक्वेस्ट वाला वीडियो आर टी सी का केयर मतलब रेड टेल कैटफिश का केयर तो गाइस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक चीज़ कॉमेंट करके अभी बोल देना वीडियो पॉज करके कि भाई मेरा नया इंट्रो कैसा लगा मेरे को कॉमेंट करना ज़रूर बोलना तो गाइस आज का वीडियो है आर टी सी के ऊपर गाइस आज का वीडियो कभी कभार थोड़ा जो क्वालिटी है ना वीडियो का लो हो सकता है उसके लिए माफ़ करना क्योंकि मैं पहले भी बोला था मेरा एक्वेरियम ऐसे जगह पे सिचुएटेड है ना जिधर लाइट नहीं है मतलब ऑपोजिट में लाइट नहीं नहीं है इसलिए कभी कभार खराब हो सकता है पर मैक्सिमम टाइम ठीक ही होगा उसके लिए दिक्कत ना लीजिए तो गाइस आज का वीडियो पूरा देखना अगर आप आर टी सी पा ले क्योंकि भाई मेरे को बहुत दिन से बहुत कोई रिक्वेस्ट कर रहा है बहुत दिनों नहीं महीनों से तो गाइस फाइनली आज ये वीडियो आ गया है तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चैनल पर बने होती है आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाइस मेरा वाला आरटीसी आप लोग खुद अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं मैं गाइस अगर सच बोलूं मेरा वीडियो आप लोग देखे अनबॉक्सिंग वाला कितना छोटा लाया था जस्ट टू मंथ्स हुआ है वीडियो का आज इसका साइज देखिए तो कहीं ये मेरे को सत्यजीत पेट्स ब्लॉग जो चैनल है सत्यजीत दा उनका एक फ्रेंड दिया था उनसे मैं खरीदा था तो अभी इसका क्वालिटी और साइज देखिए तो पहला केयर में आ जाते हैं पहला ही जो होता है टैंक साइज देखिए गाइस ये जब छोटा होता है आप टू से थ्री फीट टैंक में रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है धीरे धीरे जो है आपको टैंक को अप टू एट फीट सेवन टू एट फीट अपग्रेड करना होगा क्योंकि गाइस देखिए इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट है इसका हेरिडिटी में वैसा ग्रोथ है कुछ कोई कर नहीं सकता है इसलिए धीरे धीरे आपको जो है टैंक को अपग्रेड करना होगा नेक्स्ट आते है इसका टैंक मेट गाइस टैंक मेट में अगर अच्छा बोलूँ तो आपको मॉन्स्टर फिश रखना होगा क्यों रखना होगा नहीं तो देखिए आरटीसी ऐसे कोई एग्रेसिव टाइप का फिश नहीं बोल सकते पर अगर इसका मतलब मजाक मजाक में ही कभी कभार कोई कोई फिश को मुँह में घुसा लेता है म मतलब सोचिए उसका मुँह से छोटा कोई फिश है ना तो मजाक मजाक में मुंह में घुसा लेता है इसीलिए आपको थोड़ा बड़ा टाइप का फिश रखना होगा गाइस अभी स्क्रीन के ऊपर जो फिश देख रही है ये मेरा आरटीसी था जस्ट टू मंथ्स पहले Guys, इसका साइज देखिए सिर्फ और जो नेक्स्ट केयर है वो है वाटर चेंज वाटर चेंज अगर हो सके तो वीक में एक बार फिफ्टी परसेंट करना और एक चीज देखिए आप जब आरटीसी खरीद रहे हैं ना तो आप अगर एक चीज़ देखेंगे अच्छे से कि जो आर है उसका टेल ब्लैक कलर का रहेगा उसको लेके कोई चिंता ना कीजिए क्योंकि गाइस जब छोटा रहता है ना मैक्सिमम आर का जो टेल है वो ब्लैक कलर का रहता है जैसे आप ये वीडियो देख पा रही है मेरा बहुत ही पुराना वीडियो है दो महीने पहले का इसका टेल कलर देखिए और अभी का टेल कलर देखिए अभी जो है रेड रेड आ रहा है थोड़ा बहुत इसलिए वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है गाइस ये जो है मैं लगभग 1.5 इंच में खरीदा था और अभी देखिए 5 इंच तक पहुंच गया आर पर मैं और कैसा मतलब ऐसा क्या दिया फीडिंग क्या दिया तो गाइस उसके बारे में फिर से मैं बोलूँगा तो गाइस फीडिंग जो देना है आपको वो है लाइव फीडिंग नॉर्मल फीडिंग आर नहीं लेगा अगर आप ज़्यादा दिन फीडिंग नहीं देंगे तो वो मरेगा नहीं पर वो क्या करेगा अगर छोटा फिश है तो खा लेगा तो गाइस आपको फीडिंग देना है सिर्म्प या फिर वो एक और कोई अलग सा फिश मतलब छोटा सा छोटा टुकड़ा करके देना होगा दिन में दो बार एक बार सुबह को एक बार रात को और गाइस और क्या दे सकते हैं चिकन लिवर चिकन हार्ट ये सब अगर चिकेन लीवर चिकन हार्ट अगर दे रहा है वीक में एक बार से दो बार हार्डली देना उसके ज़्यादा मत देना कोई कोई क्या करता है हर दिन देता ही रहता है ये गलती कभी मत करना तो और गाइस जो मछली है आप लोग दे सकते हैं इसे हैंड फीडिंग भी दे सकते हैं ऑब्वियसली ले लेगा मेरा वाला जो है हैंड फीडिंग ही लेता है और गाइस आपको जो नेक्स्ट चीज़ करना है वो है इसे मतलब एक दिन बाद बाद खाना देना क्योंकि अगर हर दिन देंगे ना तो थोड़ा इसे मतलब वॉमिटिंग का दिक्कत हो सकता है आप लोग को पता है जो आर टी अब वॉमिट कर देता है और अगर ये वॉमिट एक बार कर दिया ना वाटर लेवल का जो एमोनिया है एमोनिया लेवल वाटर में बहुत ही हाई हो जाएगा बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा और जो दूसरा फिश है वो सब मर जाएगा सेम मेरे साथ हुआ था मेरा जो वॉकिंग कैट फिश था एक मर गया आर के कारण क्योंकि ओवर फीडिंग के कारण वॉमिट कर दिया अगर देख रहे हैं वो नहीं खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट दिन दीजिए नेक्स्ट दिन नहीं खा है फिर से नेक्स्ट दिन दीजिए कोई दिक्कत नहीं है पर उसे ज, मतलब जोर जबरदस्ती मत कीजिए खाना ही होगा नहीं तो वॉमिट कर देगा वॉमिट करेगा तो आपके दूसरा फिश के लिए एकदम ही अच्छा नहीं होगा और जब छोटा रहेगा तब तो थोड़ा थोड़ा ही खाएगा जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर जो साइज देख रही है मेरा बहुत पहले का वीडियो है मतलब बहुत ही छोटा था अभी जो है लगभग एक स्रीम पूरा खा लेता है दिन में तो गाइस फीडिंग ऐसे देना है ओवर फीड बार बार बोल रहा हूँ मत कीजिए ओवरफीड नहीं तो आपको ही लास्ट में दिक्कत होगा आपका ही पैसा जाएगा क्योंकि आपका फिश जो है मर जाएगा आपका पानी से बदबू आना शुरू हो जाएगा इसलिए ओवरफीड ना कीजिए और गाइस इससे जो है छोटा जब रहेगा ना इसको ज़्यादा बड़ा मंस्टर फिश के साथ मत रखिए जैसे एलिगेटर्स वगैरह के साथ मतलब एकदम जब छोटा रहेगा तो और थोड़ा अगर बड़ा रहेगा ऑब्वियसली आप लोग रख सकते हैं आपको एक हाइडिंग प्लेस देना होगा आप टू थ्री टू फोर इंच तक एक हाइडिंग प्लेस बहुत ही नेसेसरी है इसके लिए अभी जो है मैं हाइडिंग प्लेस हटा दिया अभी जो वीडियो देख रहे हैं तब ये कहाँ पर छुपा रहता था पता है मेरा जो एक्वेरियम का घर है उसमें छुपा रहता था पर अभी हाइडिंग प्लेस हटा दिया हो क्योंकि जो है हाइडिंग प्लेस में ये आर जाके अटक जाता है क्योंकि अभी बहुत ही बड़ा हो चुका है मेरे को एक सब्सक्राइबर मेरे इंस्टाग्राम में कल बहुत मतलब मतलब मैसेज किए कि भाई मेरा छेट आरटीसी मर गया पहले अभी और एक है मैं इसे खोना नहीं चाहता है भाई क्या करूं मेरे को वीडियो चाहिए तो गाइस इसका कारण एक हो सकता है कि आप लोग का टैंक साइज छोटा है आरटीसी बड़ा हो गया सेकंड हो सकता है आप ओवर फीडिंग करते हो थर्ड हो सकता है उसे कोई खा लिया है मतलब उससे बड़ा कोई मॉन्स्टर फिश रख दिया हो और फोर्थ हो सकता है वाटर नहीं चेंज करना है ये मेरा एक फ्रेंड के साथ भी हुआ है वाटर एकदम ही नहीं चेंज करता है इसके कारण जो है आर उसका मर गया है तो गाइस मेरा आर देखिए अभी जो है वाटर चेंज मैं 50 परसेंट करता हूँ हर वीक इसीलिए अभी तक पूरा सेफ है और गाइस एलिगेटर के साथ भी रहता है कोई टैंक मेट्स को दिक्कत भी नहीं करता है अगर नहीं खा रहा है बार बार बोलो मती दीजिए खाना वो भी हानिकारक हो सकता है उसके तबीयत के लिए और गाइस अगर विंटर सीजन में आए तो विंटर सीजन में आपको एक हीटर चाहिए हीटर ऑब्वियसली नेसेसरी नहीं है क्योंकि पता है आर बहुत ही हार्ड इफ़िश होता है पर फिर भी फॉर इमरजेंसी हीटर देना ठीक होगा हीटर का टेम्परेचर जो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तक रखिए और जो है आप लोग को पता होगा आर मतलब घर आने के बाद थोड़ा स्ट्रेस में रहता है तो स्ट्रेस में रहना रह मतलब रहने के टाइम आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग उसे छोड़ दीजिए गाइस जैसे आप स्क्रीन के ऊपर अभी देख पा रही है ये ऐसा सिंप आपको देना होगा स्रीम क्या है? करना है आपको प्रिजर्व करना है प्रिजर्व मतलब एक दिन पूरा आपका रेफ्रिजरेटर में जो मतलब फ्रीज़र होता है जहाँ मेरा हम लोग का बर्फ होता है उसमें पूरा एक दिन रख देना उसके बाद एकदम ठंडा मत देना थोड़ा गर्म करके शिम को जो है दे देना मतलब रूम टेम्परेचर में गर्म मतलब ऐसा नहीं आग में बैठा दिया वैसा नहीं रूम टेम्परेचर में ला के देना होगा तो गाइस ऐसे आप लोग को आरटीसी आकर रखेंगे आपका आरटीसी जो तो है पूरा एकदम फाइन रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा इन फ्यूचर अगर अगर टैंक आप लोग प्लान तो करना ही होगा ऑब्वियसली अगर अभी से कर रहे हैं तो मैं उसका डायमेंशन भी बता देता हूं अगर आप पॉन्ट प्लान कर रहे हैं तो आप टू एट टू टेन फीट कर सकते हैं अगर एक्वेरियम प्लान कर रहे हैं तो एक नॉर्मल बोल देता हूँ एट फीट इंटू थ्री फीट इंटू थ्री फीट ईओ वाला साइज का टैंक आप लोग कर सकता है अगर एट फीट नहीं करना चाहते हैं सेवन भी कर सकते हैं क्योंकि पता है आरटीसी अगर नेचुरल कंडीशन में रखा जाए तो लगभग वो सिक्स तक बड़ा हो जाता है उससे ज़्यादा और नहीं जाता है ज़्यादातर पर आप लोग अगर कर रहे हैं तो एट फीट कर लीजिए इमरजेंसी के लिए और अगर पौंड करना चाहते हैं भाई दो तीन हज़ार ज़्यादा देके एक बड़ा सा ही पौन्ड कर लूँ ना बहुत मस्त देखने में लगेगा और जब जब ये बड़ा होगा ना इसका हाइडिंग प्लेस हटा दीजिए लाइट भी लगा सकते हैं और आर जो है ना लाइट ऑफ होने के बाद बहुत ही एक्टिव होता है लाइट जलने के समय आप लोग को लगेगा भाई ये तो हिल भी नहीं रहा है एक जगह खड़ा है खा नहीं रहा है कुछ भी नहीं कर रहा है मर जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है आर जो है लाइट ऑफ होने के बाद आप खाना दे रख रख दीजिए एक नाइट पूरा एक सपोज एक स्रीम दे के उसे रख दीजिए लाइट ऑफ करके सो जाइए सुबह उठ के देखिए खाना गाए कैसे गाए वो खा लेगा क्योंकि नाइट टाइम में आर जो है बहुत ही एक्टिव हो जाता है नॉट ओनली आर हर एक टाइप का कैटफिश वॉकिंग कैटफिश बोले ऊट कैटफिश टाइगर सोबलो हर एक कैटफिश नाइट टाइम में बहुत ही एक्टिव हो जाता है होप करते हैं गाइस थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा इस वीडियो से वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बोलना क्योंकि गाइस ये मोस्ट रिकमेंडेड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था लास्ट टू मंथ से जब से मेरा जो आर का अनबॉक्सिंग आप लोग देखे आप लोग में से बहुत कोई बोला जा रहा है भाई आर केयर में लाओ आर हम भी पालना चाहते हैं हाँ नेचुरली ऐसा होगा क्योंकि आर टी सी आप लोग को पता है भाई मस्त देखने में होता है और आप लोग को तो पालने का मन होगा ही ऑब्वियसली देखिए जब छोटा रहता है उसका दो से तीन सूर रहता है उसके बाद जब जब बड़ा होता है उसका और भी चार छः सूर निकल जाता है अभी अगर मेरा आर टी सी देखेंगे उसका सूर आप लोग कंपेयर कर सकते हैं उसका साइज़ जो है लंबा हो जाता है उसका जो मतलब ब्रेद है उसका मुँह का वो भी बहुत ही बड़ा हो जाता है इसलिए इन फ्यूचर अगर आप टैंक प्लान कर सकते हैं ऑब्वियसली आर टी सी पाल सकते हैं और ये सब स्टेप फॉलो कीजिए आपका आर टी सी मैं चैलेंज बोल देता हूं एक लंबा सा लाइफ चाहिएगा तो गाइस ये था आज का वीडियो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल पर नए नहीं होते सब्सक्राइब कर देना भाई मेरे को इस ईयर तक मेरे को वन के चाहिए गाइस कर दीजिए शेयर कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब मेरे को वन के चाहिए प्लीज़ कर दीजिए गाइस ये रिक्वेस्ट रखिए तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो